तो अभी आगे यहाँ पर 2 किलोमीटर में भाई यहाँ पर तो बहुत सारे पुलिस है। तो हम लोग लोनावला के एकदम फेमस पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि अब तक यहाँ तक तो मस्त पूरा अच्छा रोड था, मजा आया चलाने में। अब यहाँ से पूरा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं पावना लेक जाने के लिए। तो आज हम लोग जाने वाले पावना लेक, जो कि वन डे का स्टे होगा। हम लोग जा रहे हैं बाइक से, पूरा बाइक राइड करके जाएंगे, स्कूटर अर्जुन भी है, साथ ही साथ एडवेंचर KTM की नई बाइक है जो कि कांचो की है। तो पहले मैं आपको अपने फ्रेंड्स लोगों से मिला लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रहा निखिल, पन्नी बोलते इसे, फिर ये रहा प्रकाश खांड का, जिसे हम लोग कांचो बोलते हैं, पेट नेम कांचो रखा है, और ये फरहान, आपको तो पता ही है, पिछले वाले ट्रैक में आपने देखा रहेगा। तो हम 4 जन जा रहे हैं, मेरे साथ पन्नी बैठने वाला है, निखिल ये, और कांचो और फरहान दूसरे बाइक में रहेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो कांचो ने भी अभी 3-4 दिन पहले गाड़ी ली है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। क्या मस्त गाड़ी है यार, मैं जस्ट अभी 1 राउंड मार कर आया, बहुत सही है, क्या भागती है। सिर्फ 250 cc है, बट जो पावर है, जो पिकअप है, जो भागती है, वो बहुत खतरनाक है। और हैंडल ना मुझे थोड़ा बड़ा लगा। KTM की मैंने 2-4 बाइक चलाई है, आई मीन नॉर्मल ड्यूक चलाया है, 250 चलाया है, 390 चलाया है, RC भी मैंने 200 चलाया है, 390 चलाया है, बट जो इसका हैंडल है और जो इसका हाइट है ना, बहुत डिफरेंट है, मतलब एडवेंचर कुछ अलग ही है। इसमें एडवेंचर करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, नॉर्मल चला के तो मुझे बहुत मज़ा आया, मस्त गाड़ी थी। तो आज का जो जर्नी है वो हम लोग लोनावला से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लोनावला अराउंड 65 किलोमीटर है, उसके बाद और 10 या तो 12 किलोमीटर आगे है पावना लेक। आई डोंट नो एग्जैक्टली लोनावला में आता है कि नहीं, बट लोनावला से थोड़ा सा आगे जाना है हमें। अभी फ़िलहाल हमें लोनावला तक तो रास्ता पता है, तो मैप डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो बिना मैप के चल रहे हैं। और शाम का टाइम है ना, तो अभी वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, और जैकेट भी वैसे वेंटिलेटेड जैकेट है, तो चलते चलते मस्त हवा आ रहा है। तो फाइनली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम लोग एकदम प्रॉपर हाईवे में है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और ये देखिए पहला सिग्नल भी लग गया हमको। ओ भाई, इसका तो कांचो का तो एडवेंचरस बाइक है, मुझे भी यहाँ से जाना पड़ा, वाह। अरे यार कांचो से मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, कहाँ पर भी लेकर जा रहा है बाइक, और मेरे अर्जुन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कांचो की इतनी अच्छी बाइक है, इतना स्पीड जाती है, फिर भी देखिए वो हमारे साथ ही है, एकदम स्लो चल रहा है। ऑल्सो हम लोग इसे कांचो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेपाली है, तो हमने ऐसे मजाक मस्ती में इसका नाम कांचो रख दिया, और बहुत सारे लोग उसे कांचो ही बुलाते हैं, तो ये एकदम कॉमन है। ये लो सेकंड सिग्नल भी लगा हुआ ही है, मैंने कहा था ना, मुझे पता है यहाँ पर तो लगना बनता ही है। मेरे गाड़ी में तो पेट्रोल एकदम फुल है, तो मुझे भराने की जरूरत नहीं है, बट कांचो की गाड़ी में बहुत कम है। तो अभी आगे यहाँ पर 2 किलोमीटर में वेलकम होटल आने वाला है, तो वहीं पर हम लोग पेट्रोल भरा देंगे। तो अभी हम लोग HP पेट्रोल पंप पे रुके, कांचो और फरहान वहाँ पर पेट्रोल भरा रहे, तब तक यहाँ पर हम लोग छाव में रुके हुए। अभी भी थोड़ा बहुत धूप है, बट क्लाइमेट अच्छा रहने के कारण ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत लग रही है, पर ठीक है, इतना तो चलता ही है। यहाँ पर एयर पंप भी है, बट मुझे हवा भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों टायर में नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन 2-3 महीना चलते रहता है, और जैसे जैसे हम लोग हाईवे में चलाते रहते हैं, आजकल गर्मी का टाइम है, तो हवा वैसे वैसे भरते रहता है, तो कुछ टेंशन नहीं है। कांचो की भी नई गाड़ी है, तो कांचो को भी हवा भराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कांचो ने पेट्रोल भर लिया। अब चलते सीधा वहाँ पे जाके रुकना है, बीच में जूस पीने का मन कर रहा है, तो अगर कहीं अच्छा जूस का दुकान मिल जाएगा ना, तो वहाँ पर जूस पियेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके चौक में, एक्चुअली हम लोग आगे को जा रहे थे, बट अचानक से अच्छा हुआ निखिल ने ध्यान दे दिया, तो यहाँ पर रुके हैं ये लोग। यहाँ पर फटाफट नींबू पानी या तो पानी पी लेते, बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यास। घर से हम लोग निकले थे ना, तो पिया ही नहीं था मैंने पानी, सिर्फ खाना खाया और निकल गया था, तो अभी प्यास लगे, फटाफट पानी या तो नींबू पानी पी लेते। तो हम सब ने ये पाइनएप्पल जूस लिया है, कलर बहुत अलग लग रहा है यार, पाइनएप्पल जूस ने मैंगो जूस लग रहा है ये तो। तो यहाँ पर वाटर ब्रेक भी हो गया है, वाटर ब्रेक मतलब जूस पिया था, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक पी लिया मतलब, और थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई है, तो अब डायरेक्ट हम लोग लोनावला में जाकर रुकेंगे। अरे आपको भाई, वो बुढ़े अंकल तो एकदम बीच रोड में चल रहे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके खंडाला घाट, अभी तक जितने भी बार मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर कभी रुका ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं यहाँ पर क्या है क्या नहीं। वाह क्या गणपति है, गणपति है ना ये, पक्का गणपति है ना, क्या फिर ये, वाह एक नंबर, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर, कांचा के वजह से मैं रुका, मस्त है, एक नंबर है। प्रसाद ले ले, प्रसाद ले ले, इसको दे दो,
तो चलो चलते हैं। बहुत मस्त था, आई डोंट नो क्या था वो, पता नहीं, बट बहुत सही था। निखिल को भी नहीं पता क्या था वो। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावला। मेन चौक आने के लिए अराउंड 1-2 किलोमीटर बचा है, फिर हम लोग लोनावला के प्रॉपर मेन चौक में पहुंच जाएंगे। वहां से हमें राइट लेना है। भाई यहाँ पर तो बहुत सारे पुलिस है। कोई तो बड़ा आदमी आया शायद से, अचानक से रुका दिया मुझे, इतना स्पीड था फिर भी रुका रहे। वाह, ओहो यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, शायद से कोई आ रहा है। तो यही रहा लोनावला का मेन चौक। यहाँ से अभी हम लोग ने राइट मार लिया है, बस अभी कांचो और फरहान का वेट कर रहे हैं। वो लोग हमारे थोड़ा पीछे थे, अभी तक आए नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सा सनराइज चिक्की करके शॉप है, तो उसी के बाहर रुके। तो यहाँ से मुझे रास्ता नहीं पता है कहाँ पर जाना एग्जैक्टली। यहाँ से हम लोग मैप चालू करने वाले। जो हमने मंदिर का प्रसाद लिया था ना, वो मैंने वहाँ पर खाया नहीं, क्योंकि पूरा राइडिंग गियर के साथ था ना, रुकना पड़ेगा। तो अब भी प्रसाद खा रहा, थोड़ा बहुत निखिल ने खा लिया था। ओह शिट, यहाँ से मुझे लगा था कि एकदम नज़दीक होगा, मतलब अराउंड 7-8 किलोमीटर के देरी पर रहेगा, बट नहीं, 33 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जो कि अराउंड 1 घंटा लग जाएगा। अंदर का छोटा छोटा रास्ता है ना, तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो ये देखिए आई लव लोनावला पॉइंट, और यहाँ से अभी हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगने ही वाला है। मुझे लगता है हम लोग 6-6:30 बजे पहुँचेंगे। वैसे तो 4 बजे से चालू हो जाता है एंट्री का टाइमिंग, बट हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे, हमें लगा 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, बट हमें यहाँ पर ही 5 बज चुका है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब तक वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम लोग लोनावला के एकदम फेमस पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि है टाइगर पॉइंट। जो भी लोनावला आता है मोस्टली यहाँ पर ही आता है, ये टाइगर पॉइंट में। तो ये रहा यहाँ पर टाइगर पॉइंट, बट हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हम सीधा आगे जाएंगे। आई मीन यहाँ पर है टाइगर पॉइंट, वो जो आपको वाइट गाड़ी दिख रही है अर्टिगा, उसी के पास है। तो यहाँ से पूरा मस्त व्यू दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग रोक रहे भी है कि गाड़ी यहाँ पर पार्क करो। तो ये पूरा साइड और ज़मीन शायद से इन लोग का ही है, इसलिए यहाँ पर इन लोग पे एंड पार्क लेते हैं। तो ये रहा टाइगर पॉइंट, पूरा भरा हुआ है आज। देखिए टाइगर पॉइंट प्लस लायन पॉइंट, दोनों भी बोलते हैं। इसके आगे और एक पॉइंट है, यहीं पर है नज़दीक में। तो ये रहा सेकेंड वाला पॉइंट, ये पॉइंट का नाम नहीं पता मुझे, बट ये पॉइंट भी काफी अच्छा है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट में भी नहीं रुकना हमें। वाओ यहाँ पर देखिए क्या मस्त है, फुल प्रॉपर जंगल टाइप लग रहा है, जंगल के अंदर रोड। पीछे एक रास्ता था जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, तो हम लोग वहाँ से लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। और जो एम्बे वैली रेस कोर्स वाला रास्ता है वो राइट साइड को था, आई थिंक सो एम्बे वैली रेस कोर्स वो वाले रास्ते पे है, बट अभी हम लोग को पावना लेक के लिए ये रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो हमने मेन मार्केट से अभी लेफ्ट ले लिया है, मेन मार्केट या तो चौक बोल सकते हैं, यहाँ से जाना है। यहाँ पर आपको लेक हाउस लिखा हुआ रहेगा। अब तक यहाँ तक तो मस्त पूरा अच्छा रोड था, मज़ा आया चलाने में। अब यहाँ से पूरा ऑफ रोड चालू हो चुका है, ऑफ रोड चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, पर ये कितना बड़ा है पता नहीं। यहाँ से तो पूरा प्रॉपर गांव वाला फील आ रहा है, एंड 2-4 घर भी दिख गए गांव के, तो आप बोल सकते हो पूरा गांव ही है। यहाँ पर बहुत अच्छा रोड है यार, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था मस्त ऐसा बनाने को, तब अच्छा लगता था। फाइनली कैंपिंग प्लेस आ चुका है, आई थिंक सो यही पूरा एरिया है यहाँ पर, आई थिंक सो, आई डोंट नो। वहाँ पर थोड़े बहुत टेंट जैसे दिख रहे हैं, लेट्स सी कहाँ पर जाना है हमें। फिलहाल तो अभी अर्जुन इतना स्मूथ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं, ऐसा लग रहा है बैटरी वाली स्कूटी है। बहुत टाइम हो गया हम लोग यहाँ वहाँ घूम ही रहे, अभी तक हमें पावना लेक दिखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। मैप में तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, मैप ने हमें बहुत टाइम से घुमाया, अभी तक पता नहीं चल रहा कहाँ पर है। फिलहाल अभी हम लोग एक ब्रिज के पास है, यहाँ पर छोटी सी नदी जैसी है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये राइट साइड में थोड़ा पानी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। तो अब चलते आगे, यहीं से है रास्ता। यहाँ पर और एक ग्रुप आया था, उन्हें भी पावना लेक जाना, उन्होंने बोला गूगल मैप पे भरोसा मत करो, हम लोग खुद 2 घंटे से घूम रहे, और हम भी घूम ही रहे, गूगल मैप यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ता दिखा रहा है। तो आप भी एकदम प्रॉपरली गूगल मैप पे भरोसा मत करना, जहाँ पर भी कोई भी मिलेगा ऐसा लगेगा कि गांव का बंदा है, तो उसे पूछ पूछ कर आना। अभी हमको यहाँ पर अंकल मिले थे, तो उन्हें पूछा हमने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे ही है, अब पता नहीं आता है कि नहीं, देखते कब तक पहुँचते हम लोग। मुझे लगता है रात हो जाएगी तब पहुँचेंगे हम लोग। अरे वाह यहाँ से रोड देखो क्या मस्त लग रहा है, तुझे क्या लगा स्पीड ब्रेकर है उड़ेगा?
अभी थोड़ी देर के लिए ना निखिल डर गया था, वहां पर थोड़ा सा रोड ऊपर को था, उसे लगा स्पीड ब्रेकर है उड़ेगा, मुझे फटक से इसने पकड़ लिया दोनों शोल्डर को। फाइनली वी आर एट द डेस्टिनेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं। निकले तो हम लोग 3 बजे थे, बट अभी यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 7 बज गए, ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए। यहाँ का जो रूट है बहुत बेकार है, अगर आप आओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आई मीन यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। जहाँ पर 2 रास्ते हैं ना वहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिखाया नहीं है, हर जगह डायरेक्शन दिखाना चाहिए, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिखाया, तो हमें अंदर ही अंदर घूमकर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1-1.5 घंटा अंदर ही अंदर घूम के टाइम लग गया। फाइनली पहुँच चुके हैं, ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आगे का जो वीडियो है पावना लेक का पूरा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिलहाल तो अभी अर्जुन इतना स्मूथ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं, ऐसा लग रहा है बैटरी वाली कार है, अरे सॉरी।